हेलो फ्रेंड, सिंदूरी किरण किचन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज आपके साथ में पाव भाजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो झटपट हो और जिसके इंग्रेडिएंट का स्वाद सभी अच्छे से बना रहे, और वो हमको झटपट तैयार करनी है। जिससे क्या होता है, थोड़ी अलग टेक्निक मैंने यहाँ पर यूज़ की। मैं वर्किंग वूमन रह चुकी हूँ, जिससे मुझे टाइम का सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता था हर जगह से। तो इस तरह से मैं हर चीज़ को नई ट्विस्ट के साथ में बनाने की कोशिश करती थी, जिससे उसका स्वाद, फ्लेवर और सारा बना रहे और मार्केट पैटर्न वाला घर पर महसूस हो सके। तो इस तरह से फ्रेंड, मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च एक ली है, पत्ता गोभी का छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है, फूल गोभी का छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने गाजर दो के करीब ली हुई। आप इंग्रेडिएंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब्जियों को मैंने थोड़ा सा स्टीम कर लिया है, मैंने सिर्फ कुकर में डाल के इसे प्रेशर कर लिया है और निकाल लिया, पूरी तरह से पकाया नहीं है। इससे क्या होगा कि इसका स्वाद, फ्लेवर, कलर सभी बने रहेंगे। और आप बना के देखेंगे तो आपको बाहर की पाव भाजी में और घर की पाव भाजी में अंतर निश्चित ही मालूम पड़ेगा। अभी हमको टोमेटो को मिक्सर ग्राइंडर में से घुमा लेना है। जनरली हम पाव भाजी में क्या करते हैं कि टोमेटो को बारीक बारीक काट लेते हैं, जिससे पकने में भी टाइम लगता है और हमारा समय जाता है। तो लेकिन अगर प्यूरी हम इस्तेमाल में लाए ना फ्रेंड, तो हम समय को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी मुझे क्या करना है, जो स्टीम की हुई सब्जियां हैं ना, उनको मिक्सर ग्राइंडर में से दरदरा सा कर लेना है, घुमा लेना है। तो मैं सभी सब्जियों को यहाँ पर डाल दूंगी, और मैं ये जो बना रही हूँ ये 4 से 5 लोगों के लिए है, यानी घर के हम सारे मेंबर बैठकर इसे बाजार का स्वाद लेने वाले हैं। तो इस तरह से इसे दरदरा सा घुमा लूँगी मैं। तो इस तरह से इसको मैंने यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है, और इसे आपको आप देख पाएंगे किस तरह से मैंने दरदरा सा कर लिया है। ये हमारा इस तरह से दरदरा सा सब्जियों का तैयार हो चुका है। अभी मुझे गैस ऑन करके यहाँ पर पैन रख देना है, और पैन पर हम बटर डाल देंगे, क्योंकि बटर का फ्लेवर पाव भाजी में बहुत अच्छा लगता है। बटर के बिना पाव भाजी अधूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो बटर जो यूज़ करने वाली हूँ, तो ये होममेड बटर है। मेरे चैनल पर ये वीडियो मलाई से बनाई हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट के नाम से, होममेड के नाम से मेरे चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ से आप मलाई से किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी फ्रेंड क्या हुआ है, थोड़ा तेल भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और गर्म होने के बाद में बटर तेल को मैंने यहाँ पर कटा हुआ प्याज, जो 2 प्याज लिए हुए मैंने मीडियम साइज़ के, वो यहाँ पर डाल दिए है। अभी प्याज को हमको बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, इतना ही हम इसे फ्राई करने वाले हैं। तो अच्छे से प्याज हो चुका है, देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या करना है, मुझे अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है। तो इसके लिए मैंने 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ली हुई है, और 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे दरदरा सा घुमा लिया है। इसकी जगह आप मिक्सर ग्राइंडर में से जो बारीक की हुई पेस्ट होती है ना, उसको भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अभी मैं इन इन्ग्रीडियंट को अच्छे से भून लेने वाली हूँ, और देखिए बहुत अच्छे सा सुगंध यहाँ पर खिल के आई हुई है लहसुन की। अभी ये अच्छे से फ्राई हो गया है, मुझे यहाँ पर हरी मिर्चियों को ऐड कर देना है। तो 5 से 6 हरी मिर्चें ले रखी है मैंने, हरी मिर्चियाँ काट ली है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसे ऐड कर दूंगी, और इसे भी मुझे 1 मिनट के करीब अच्छे से फ्राई कर लेना है, जिससे इसका कच्चापन ना रहे और खाने में हमें कच्ची ना लगे। तो इस तरह से ये मिर्चियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं। अभी हमको यहाँ पर मैंने अभी क्या किया है, आलू को ले लिया है और उसे अच्छे से उबाल लिया है। आलू और भी जल्दी जल्दी से उबल जाए, इसके लिए आप क्या करें, आलू को बीच में से 2 टुकड़े कर ले। अभी मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैंने पहले ही मैश कर लिया है। एक छोटा सा आलू ही सिर्फ यहाँ पर बचा हुआ, तो उसके आधे टुकड़े करके या 1/4 टुकड़े करके डालेंगे ना कुकर में, तो बहुत जल्दी से उबल जाते हैं वो। अभी मैंने ये टोमेटो प्यूरी यहाँ पर ऐड कर दी है, आप देख पा रहे हैं, और ये इसे भी हमको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। अभी क्या करना है, इसे पकाने के बाद में मुझे हमारे जो बाकी के मसाले होते हैं, उन मसालों को यहाँ पर मुझे ऐड कर लेना है। तो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1
से डेढ़ टेबल स्पून के करीब लिया हुआ है। तो आप इसके इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं आधा आधा करके। नमक स्वादानुसार लेना है, तो इस तरह से स्वादानुसार नमक लिया है और काली मिर्च पाउडर लिया है जो कि एक टीस्पून के करीब है। और मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर ले लिया है, वो भी एक टेबल स्पून के करीब है। अभी इन सारे इंग्रेडिएंट को मुझे अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके पहले मैं यहाँ पर पाव भाजी मसाला डालूंगी। पाव भाजी मसाला भी होममेड है, मैं जनरली सभी मसाले अपने घर पर ही प्रिपेयर करती हूँ। तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में तीन तरह के मसाले डाले हैं, सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला और बिरयानी मसाला। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ये घर होममेड होने की वजह से फ्लेवर बहुत अच्छे से होता है और एकदम फ्रेश होते हैं, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े मसाले ही बना के तैयार रखती हूँ, बहुत ज़्यादा बना के तैयार नहीं करती हूँ, जिससे फ्लेवर अच्छे से बना रहता है। अभी जो हमारी सब्जियाँ रफ भी हमने घुमा ली थी, इसे भी मुझे यहाँ पर पैन में ऐड कर देना है। तो इस तरह से पैन में मैंने इन सब्जियों को ऐड कर दिया है, अभी आप देख पा रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मुझे। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड, अगर आप वर्किंग वूमन है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। और अगर घर पे भी रहते तो भी हमें टाइम सेव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम हम अपने लिए निकालें, ये भी हमारी तबीयत और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो अभी जो मैंने मैश किया हुआ या हाथ से बारीक किया हुआ आलू था, उसे यहाँ पर डाल दिया है। इसमें गुठलियाँ ना हो ये इस बात की चिंता करें आप। तो अच्छे से उबला हुआ आलू होगा ना, तो वो अच्छे से उबला हुआ आलू होगा ना, तो उसमें गुठलियाँ नहीं आती है। या तो फिर आप ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर सकते हैं या अच्छे से पेश कर सकते हैं। अभी हमने जो भी यहाँ पर सब्जियों को डाला है, जिस तरह से जिस पैटर्न से बना रहे हैं, उसके लिए हमको क्या क्या किया है, हमें मेशर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हमें मिक्सर ग्राइंडर में से ही कर लिया है। और मैंने यहाँ पर मटर का भी यूज़ नहीं किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज कई बार कैसे होता है, पाव भाजी बनानी है, मटर नहीं है घर पे, तो हम सोचने लगते हैं अब कैसे बनाएं। तो भाई अगर मटर नहीं है, लेकिन बाकी फ्लेवर सारे आपको मिलेंगे इसमें, तो आप पाव भाजी बना सकते हैं। तो इस तरह से पाव भाजी बनाएंगे ना, तो बिल्कुल बाजार पैटर्न की ही लगने वाली है, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने एक चीज़ मिस की है यहाँ पर। तो इस तरह से फ्रेंड ये देखिए, इसका जो बैटर है आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल के तैयार कर सकते हैं किस तरह से चाहिए। तो देखिए 4-5 मिनट में इसमें अच्छे से उबाल भी आ चुका है, और आप इसका रंग और कलर भी देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से दिख रहा है, और एकदम बाजार पैटर्न की जो पाव भाजी होती है ना, उसी तरह का कलर दिख रहा है यहाँ पर। अभी मैंने तवे पर बटर डाल दिया है, तो आप पाव को दो तरीके से गरम कर सकते हैं, या तो पाव पर बटर ऊपर से लगा के फिर गरम कर ले, या तवे पर बटर डाल के फिर से इसे ऊपर तवे के ऊपर गरम करें। जिस भी पैटर्न से आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से इसे गरम कर सकते हैं। अभी क्या करना है, मैं इन पाव को अच्छे से गरम कर लेने वाली हूँ। गरम हमें इस तरह से करना है कि इसका कलर थोड़ा चेंज लगे, एकदम सफ़ेद सफ़ेद ना रहने दे, थोड़ा लाल सा चटका रहने दे इसमें, क्योंकि अगर अच्छे से गरम नहीं होता पाव तो हमें कच्चापन लगता है पाव में और खाने में मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, मैं इसको पलट कर बताऊँगी आपको किस तरह से दिखते हैं। तो इस तरह से अगर सर्व करें ना, ये देखिए, तो दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह मैंने यहाँ पर पाव को गरम कर लिया है, भाजी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं सर्विंग प्लेट पे निकालूंगी और इसे सर्व कर लेंगे। तो अभी क्या करना है, मैं इस पाव भाजी वाली जो गैस है उसको बंद कर दूंगी। मैंने यहाँ पर सर्विंग प्लेट में पाव, पाव भाजी की भाजी, प्याज और नींबू ले लिया है, और ऊपर से कुछ कटा हुआ प्याज मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर अभी क्या हो गया है कि हमको ग्रेटर की सहायता से चीज़ ग्रेट कर लेना है, क्योंकि अभी पाव भाजी के ऊपर चीज़ को सर्व किया जाता है, जो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। तो इस तरह से मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया है। ये रेसिपी आप निश्चित ट्राई करें, जो भी वर्किंग वूमन है वो अपना टाइम सेव कर सकती, या हाउसवाइफ हो उनके लिए भी टाइम सेविंग ये रेसिपी है, खाने में बहुत मज़ेदार।